सबसे पहले आपसे परिचय करा देते हैं। प्रताप राव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रतीक जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ एसोसिएट एडिटर पंकज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप ही का रुख प्रताप जी करना चाहेंगे क्योंकि ये देश के भविष्य का चुनाव है, ये आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि महंगाई और बेरोजगारी से कोई सरोकार नहीं है। देखिए दीपिका जी, निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है, जिस तरह से चुनाव प्रचार अभियान शुरू हुआ उसमें एक बात साफ थी कि मुद्दा केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी को तिबारा वापस सत्ता में लाना है या नहीं लाना, इसी पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और जिस तरह से आज सुबह से जिस बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों से निकलकर तेजी से मतदान कर रहे हैं और जिस तरह से मतदान का रिकॉर्ड टूटने वाला है, उसे साफ तौर पर जाहिर है कि नरेंद्र मोदी की वापसी को तय कर रही है जनता और नरेंद्र मोदी के समर्थन में इस बड़ी संख्या में आ रही है। और जिस तरह से आज जनता सुबह से ही बिना किसी प्रयासों के अपने साधनों से निकल रही है, उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के अलावा मीडिया ने जो जिस तरह की जागरूकता फैलाई है, जिस तरह से आप लोग सुबह से लगे हुए हैं, उसको भी देखकर बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं, ये दोनों बातें हैं। और एक बात तो साफ तौर पर जाहिर है कि जब एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो, इनकम्बेंसी का फैक्टर हो और इस तरह से बड़ा मतदान हो और मतदान भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो, तो साफ तौर पे जाहिर है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के जो बार बार आंकड़े आ रहे थे, जो बढ़ने के आंकड़े आ रहे थे, वो सिद्ध करते हैं कि भारत की जनता अब नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार अपना अवसर देना चाहती है। और ये एक साफ तौर पर दिखाई देता है कि आज जयपुर में जिस तरह से 50% अभी थोड़ी देर पहले तक मतदान हो चुका है, जो बता रहा है कि ये 70% तक जाएगा। और राजस्थान ही नहीं पूरे देश में जिस तरह का माहौल है वो साफ तौर पे जाहिर कर रहा है। और इसलिए कांग्रेस कुछ भी कहे, कांग्रेस कहती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस उतनी संख्या में भी चुनाव नहीं लड़ रही कि जो एक बहुमत के लिए जरूरी है, इसलिए कांग्रेस कुछ भी कहती रहेगी। लेकिन भारत की जनता, भारत का मतदाता, जयपुर की जनता, राजस्थान की जनता तय कर चुकी है। 400 पार हो रही है और राजस्थान में 25 की 25 आ रही है। और आज जिन 12 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, सब जगह से ये सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी बड़ी भारी बहुमत से विजयी होने वाले हैं और इनमें से कई रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं। अच्छा प्रतीक जी, आप बताइए, क्योंकि इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ कहती रहती है, कांग्रेस पार्टी ने जो ये कहा है और हर जगह राहुल गांधी ने और ये अपनी सभाओं के दौरान कहा है कि आप इसे इस तरह से सिलेक्शन को देखकर चलिए, क्योंकि अगर इस बार बदलाव नहीं हुआ तो हो सकता है ये मौका फिर से मिले भी ना, इस पर आपका क्या टेक है? और अब जो प्रताप जी ने कहा, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ये सरकार बनाने का चुनाव नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है? देखिए, अगर वोटिंग परसेंटेज का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है गंगानगर के अंदर, जहां उसी गंगानगर के अंदर आपने देखा था 2 महीने पहले एक उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव के अंदर इस जो राजस्थान के जो एक मंत्री है उसको राजस्थान की जनता ने पटकनी दे दी। तो इसी ट्रेंड को अगर आप लेके चलेंगे, इसको मानेंगे, तो आपको साफ पता लगेगा कि 25 की 25 सीटें जो हैं वो बीजेपी हारने जा रही है। दूसरी बात में प्रताप राव जी ने सारी बातें कर ली लेकिन मुद्दों की बात नहीं की। क्यों ये पूछा नहीं जाना चाहिए कि 2014 में जो वादे किए थे और 2019 में जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? क्यों ये पूछा नहीं जाना चाहिए कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल देने का वादा किया था, उसको 100 के पार क्यों करा दिया गया? क्यों ये पूछा नहीं जाना चाहिए कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, 20 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे और मात्र 7.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई? क्यों ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि 2022 तक किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था लेकिन इन्हीं की सरकार का NSS ये बोलता है कि किसान की आय आज 27 रुपए प्रतिदिन रह गई है? ये 16 रुपए प्रतिदिन नहीं है, मतलब 6,000 रुपए सालाना के हिसाब से जो किसान सम्मान निधि देते हैं उसका ढिंडोरा पीटते हैं, वो मात्र 16 रुपए प्रतिदिन है और उससे ज्यादा टैक्स ये सरकार वसूलती है, चाहे से आप आटे में, तेल में, पेट्रोल में, डीजल में, किसान जो खाद खरीदता है उसके अंदर, किसान जो बीज खरीदता है उसके अंदर, किसान जो इक्विपमेंट खरीदता है उसके अंदर, और हर दिन सुबह से लेकर रात तक जो किसान टैक्स देता है उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? 16 रुपए प्रतिदिन। इन्होंने वादा किया था गंगा की सफाई करेंगे और राज्यसभा के अंदर बोलते हैं कि गंगा की हालत पहले से भी ज्यादा गंदी हो गई है।
इन्होंने वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी बना दी जाएगी, कहाँ दिख रही है? मैं तो बाइनाकुलर्स लेकर के घूम लिया, आपको अगर दिखी हो तो बता दीजिए 100 स्मार्ट सिटी। ये जो तो सारे वादे कहाँ हैं प्रतीक जी, ये जो मुद्दे आप यहाँ पर गिना रहे हैं, क्या इतनी मजबूती के साथ जनता के बीच इन मुद्दों को आप गिना पाए हैं? जनता के बीच में ये मुद्दे गिनाए और जनता पूछ रही है हमारी नौकरी कहाँ है, हम जनता पूछ रही है आपने वादा किया था महंगाई कम करने का, तो महंगाई कम हुई क्या? और तभी ये वोटिंग परसेंटेज आपको बढ़ता है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं नरेश जी, अभी तक के वोटिंग परसेंटेज को अगर देखा जाए तो कैसा ट्रेंड इस बार का नजर आ रहा है और कुछ अलग नजर आ रहा है क्या? देखिए, अगर अभी तक की वोटिंग की बात करें तो चूंकि जैसे आपने आंकड़ा बताया कि 41.51% जो पोलिंग है वो राजस्थान में हुआ है, पिछले बार की आंकड़ा अगर मैं बताऊँ कि 66.34 पोलिंग जो हुई थी, यानी अभी तक उस आंकड़े को छूने के लिए 1/4 और वोट पड़ने जरूरी है, मतलब 25% अभी और वोट पड़ने जरूरी है। जो आपने आंकड़ा दिया है वो 3 बजे तक का है, लगभग 6 बजे जो है वो पोलिंग खत्म होगी, तो 3 घंटे में, 3 घंटे का जो समय है उसमें करीब 25% पोलिंग और होती है तब हम पिछली बार का आंकड़ा टच कर पाते हैं। तो बड़ी चीज़ ये है कि पहली जो कि क्या उस आंकड़े को पार कर पाएंगे, और जिस तरह की कोशिश रही है, जिस तरह से तमाम अपीलें हुई है, चाहे चुनाव आयोग हो, मीडिया हो, तमाम जो राजनीतिक दल है वो भी लगातार अपील कर रही है, तो पहली चीज़ तो यह है कि क्या वो उस आंकड़े को हम छू पाते हैं? अगर छू पाते हैं या उसको क्रॉस कर पाते हैं तो फिर हम ट्रेंड की बात करते हैं कि ट्रेंड क्या रहता है। अगर हम पिछले 3 लोकसभा चुनाव की बात करें, जब 2009 में जब 48% पोलिंग हुई थी तब कांग्रेस ने 20 सीटें जीती थी, भारतीय जनता पार्टी ने करीब 4 सीटें जीती थी, लेकिन 2014 की बात करें 63% पोलिंग हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीती थी। 2019 की बात करें पोलिंग बढ़ी थी, 66% जो पोलिंग हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने फिर 25 सीटें जीती थी। यानी जो पिछला जो ट्रेंड है उससे ये कहा जा सकता है कि जो पोलिंग बढ़ती है वो कहीं ना कहीं भाजपा को उससे फायदा मिला, लेकिन इस बार क्या वो टच कर पाते हैं? अगर टच कर पाते हैं तो जो अगर बढ़ा हुआ प्रतिशत है वो किस खाते में जाता है? एक और आंकड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है, अगर हम पूरे देश की बात करें जो 102 सीटों पे जहां पे मतदान हो रहा है, तो ओवरऑल जो पूरे देश में जो अब तक है वह 53% पोलिंग हो चुकी है जी। लेकिन राजस्थान में एवरेज की बात करें तो 41% पे। अभी ऐसे कई राज्य हैं जिनका मैं आपको अगर गिनाना चाहूं तो वहां पे राजस्थान की बजाय जो 3 बजे तक का समय की हम बात कर रहे हैं वहां पे पोलिंग काफ़ी हुई है। अगर बंगाल की बात करें 66% पोलिंग हुई है, और असम की बात करें 60% पोलिंग हुई है, छत्तीसगढ़ में 58% हुई है, मध्य प्रदेश में 53% पोलिंग हुई है, मणिपुर मेघालय से छोटे राज्य उनमें भी जो है 60% से अधिक जो पोलिंग हुई है, तो तमिलनाडु जहाँ पे भी ये कह सकते हैं दक्षिण में जहाँ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यहाँ हम इजाफा करेंगे वहाँ पे भी करीब 50% पोलिंग हो चुकी है। यानी ये जो राज्य मैंने बताए हैं वो राज्य है जहाँ राजस्थान से तुलनात्मक ज़्यादा पोलिंग हुई है। यानी पूरे देश का ट्रेंड देखें तो आधा सफर से आगे बढ़ गए हैं, लेकिन राजस्थान में अभी आधे सफर तक पहुंचना है। तो अब जो 3 घंटे हैं उन 3 घंटों में राजनीतिक दल कितनी ताकत झोंकते हैं, हालांकि राजस्थान का ये ट्रेंड रहा है क्योंकि यहाँ का जो मौसम है उस मौसम में कहा जाता है कि सुबह पोलिंग होती है और फिर शाम को 2 घंटे में पोलिंग होती है। जो अभी आपने कुछ देर पहले किरोड़ी मीणा के जो दृश्य दिखाए थे, मंगल गीत, ये राजस्थान का एक ट्रेंड है, न केवल पूर्वी राजस्थान में बल्कि शेखावाटी में भी अगर हम जाएं तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोटर होते हैं खासकर महिलाएं, वो शहर की तरह एक एक करके वोट डालने नहीं आती, ग्रुप में वोट डाल के आती है, पूरा मोहल्ला एक साथ वोट डालने जाता है क्योंकि वहाँ एक उत्सव जैसा होता है, और जब दिन का कामकाज निपटा लिया जाता है तब कोशिश करते हैं शाम को चलेंगे, और शाम का जो समय होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगला जो 2 घंटे है, अब के जो 2 घंटे, माफ कीजिएगा, अब तो 2 घंटे भी नहीं बचे, 4 बजे से ज़्यादा समय हो गया है, तो अब जो समय बचा है उसमें ये कितना टर्नआउट होता है, कितने लोग जो है वोट डालने के लिए आते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। अच्छा पंकज जी, आप बताइए, क्योंकि थोड़ा पीछे चलते हैं इन्हीं चुनावों की घोषणा से पहले, तारीखों के ऐलान से पहले भारतीय जनता पार्टी में एक ट्रेंड शुरू हो गया, एक बाढ़ सी आ गई। कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन कई बड़े चेहरों ने थामा और विचारधारा बदलने का
मनभेद होने का, बातें नहीं सुनने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का साथ उन्होंने दिया। लेकिन चुनावों के बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद टिकट का वितरण हुआ, प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, आपको लगता है कि जो संगठन में पहले से कार्यकर्ता थे और फिर जो कार्यकर्ता कांग्रेस या फिर किसी दूसरे दल से या फिर किसी और दूसरे पद से वहां पर पहुंचे, इनके बीच में सामंजस्य आगे चलकर बिठाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आफ्टर दिस इलेक्शन कोई चुनौती होगी? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, और अब जिस तरीके से धड़ाधड़ कांग्रेस से नेता बीजेपी में आए हैं या लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो कैडर है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित जरूर होगा। उसका कारण है कि अब बीजेपी के अंदर भी थोड़े दिनों में आप दो धड़े देखेंगे, एक वो जो मूल रूप से भाजपा के हैं और भाजपा कैडर से जुड़े हुए हैं, और दूसरा धड़ा वो होगा जो कांग्रेस से या किसी अन्य दल से आके भाजपा में शामिल हुआ है। तो ये एक लाइन तो आने वाले समय में आपको बीजेपी में साफ रूप से खींची हुई दिखाई भी देगी। और बात जहां तक नेताओं को जो बीजेपी ज्वाइन कराने की, कांग्रेस नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराने की, तो बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिना शर्त के इनको हम ज्वाइन करा रहे हैं। और इसी तरह की बात जो कांग्रेस से भाजपा में नेता है उन्होंने भी की, हम बिना किसी शर्त के बीजेपी ज्वाइन करा है। लेकिन क्योंकि ये राजनीति का अखाड़ा है, यहाँ बिना शर्त कुछ नहीं होता और बिना किसी जो आश्वासन के कोई नेता किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाता अपने विचारों को छोड़कर। तो आने वाले समय में जो आप मूल प्रश्न करना चाह रहे हैं, वो आने वाले समय में भाजपा के अंदर, अच्छा सर, इसे इस तरह से देख लीजिए, इसे इस तरह से देख लेते हैं, हम शेखावाटी अंचल का जिक्र कर लेते हैं। चार बड़े परिवार शेखावाटी अंचल में हमेशा से कहीं ना कहीं प्रभाव में रहे, बेनीवाल परिवार रहा, कस्बा परिवार रहा, ओला परिवार रहा, इसके अलावा लगातार जो मिर्धा परिवार है उन्होंने कई दशकों तक राजनीति को प्रभावित किया। इसके बाद में हम जब पहले देखा करते थे नाथूराम मिर्धा के समय, बाबा की पोतियां तो अब वोट मांग रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन उस समय परिवार भारतीय जनता पार्टी को एक वर्ड देकर पुकारता था, सत्यानाशी पार्टी कहता था। लेकिन अब जब बदलाव हुआ, जब राजनीतिक रंगों में ढल गए, और फिर दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल का जिक्र करें, वो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार रंग बिल्कुल बदले हुए नजर आए। तो ये जो मेंटेनेंसी है, कंसिस्टेंसी है, जनता कैसे विश्वास करे कि चुनाव के बाद में जब अगले 5 साल के लिए सांसद तय हो जाएगा तो कंसिस्टेंट एटलीस्ट रहेंगे, कोई भी हो भले ही वो? देखिए, एक राजनीति में एक कहावत है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना कोई स्थायी मित्र होता है। राजनीति में समीकरणों के हिसाब से और जो परिस्थिति होती है उसके हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टियां वो निर्णय किया करती हैं। ऐसा ही जो आप जिन सीटों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि नागौर में पिछली बार जो भाजपा की तरफ से जो अलायंस किया गया था वो आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के साथ किया गया था, लेकिन क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने उस गठबंधन से नाता तोड़ा, तो अब कांग्रेस के पास बीजेपी के पास उस कद का कोई कौन सा नेता हो सकता था, उस पर गहन विचार विमर्श कर उनको कांग्रेस से भाजपा में लाया गया। कहने का मतलब ये कि जातिगत समीकरणों को साधने के लिए भी पार्टियां कई स्तर पर समझौते करती है, कुछ अलग तरीके समीकरण होते हैं उनको साधने के लिए भी पार्टियां समझौते करती है। उसी समझौते की परिणति में जो भारी नेता हो उनको पार्टी अपने यहाँ लाती है और टिकट देती है। ये बात बिल्कुल तय है कि जनता उन पर कैसे विश्वास करे, ये बड़ा सवाल होता है। लेकिन अभी ये जो चुनाव चल रहा है, जो अभी 12 सीटों का चुनाव चल रहा है, यहाँ इस तरह का कोई मुद्दा अभी दिखाई नहीं दे रहा। मुद्दा सिर्फ एक ही है, मोदी के पक्ष में कौन है और मोदी के विरोध में कौन है, ये मुद्दा इन 12 सीटों पे दिखाई दे रहा है। तो उसमें जो बाहर से आए हुए नेता है वो भी उसी धारा में बह रहे हैं, और जो पहले से पार्टी में नेता है वो भी उसी धारा में बह रहे हैं। बिल्कुल, मिलाकर की कोशिश यही है दीपिका की भारतीय जनता पार्टी की जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो पोस्टर्स पर नजर आता है वो साकार। बिल्कुल, और वाकई में अब दोनों तरफ से पूरी पूरी कोशिश की गई, और एक तरफ तो बीजेपी हैट्रिक लगाने को बेकर आ रहे, तो दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार यही कहा जाता रहा है कि हम भी मुकाबले को पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन मुकाबला कितना ज्यादा कड़ा कहाँ पर है वो नजर भी आ रहा है प्रताप जी। क्योंकि जिस तरीके से पंकज जी जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चेहरा मोदी का है, जिस तरीके से मुद्दे आप गिना रहे हैं वैसे मुद्दे नहीं है, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या बदलाव आपने देखा है? 2014 में लहर थी, 2019 में स्ट्राइक थी, लेकिन 2024 की बात करें तो ऐसी कौन सी बड़ी बात आप बताना चाहेंगे जो इस बार नया है और जनता को प्रभावित कर रहा है? हाँ दीपिका, देखिए मैंने बहुत सारे इलेक्शन कवर किए हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट रहा हूं तो इस हिसाब से बताता हूं कि 2014 तक कोई ना कोई मुद्दा होता था। 2014 के इलेक्शन की बात करें तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, अकर्मण्यता और रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके चलते कांग्रेस का सफाया हो गया था, और ये 2014 का चुनाव था। 2019 के चुनाव में जब बात आई तो नरेंद्र मोदी के जो काम थे, सरकार के जो काम थे 2014 से 19 के जी, उस काम को वापस जनता ने एंडोर्स किया और वापस किया। इस बार साफ साफ मुद्दा है, जो संकल्प है 2047 का, 2047 का कैसा विकसित भारत हो, ये जनता के मन में एक आकांक्षा पैदा कर दिए
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि 2047 का विकसित भारत कैसा होगा, हम दुनिया में कैसे सिरमौर होंगे, हम कैसे दुनिया में आगे पचरम फैला के चलेंगे, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता साथ में हमारा देश किस तरह से दुनिया में नाम करेगा, वो एक जो संकल्प किया है उसके साथ जनता खड़ी हुई दिखाई देती है। एक बात मैं और बीच में आपने पंकज जी से पूछा था उसको मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग आ रहे हैं दूसरी पार्टियों से वो इसी संकल्प को देख के आ रहे हैं। नीति, नेता और नियत, ये तीन चीजें ऐसी हैं वो देखकर आ रहे हैं। नेता सब जानते हैं कि दुनिया जिस नेता को मानती है उसे अब स्वीकार करने लगे हैं। नीति, नीति स्पष्ट है 2047 का कैसा भारत हो जी। और नियत बता दी है, काम करके बता दिया है। देश में जो बदलाव आया है, देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है, दुनिया में हम सिरमौर हुए हैं, जो दुनिया में अब ताकतवर देश कहलाने लगे, तो नियत, नीति और लेकिन प्रताप जी, नियत नीति का जो आप जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही कि कल तक जो भ्रष्टाचारी थे वो आपकी पार्टी में कैसे आ रहे हैं, अरे भ्रष्टाचारियों को लेना ही क्यों? देखिए भ्रष्टाचारी तब थे जब वो उनकी पार्टी में थे, मतलब उन्होंने भ्रष्टाचार उनकी पार्टी में रह के किया था, लेकिन लेकिन सुनिए सुनिए, हमारी पार्टी में आने से पहले उनसे नीति, नीति और नियत दोनों के बारे में स्पष्ट कराया जा रहा है। हमारी पार्टी में आने के बाद वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो उनको रास्ता दिखा दिया जाएगा। देखिए हमारे हमारा एक मानना है कि इस देश में कोई भी पराया नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी विरोधी नहीं है, कोई भी, हमें सबको देश के रास्ते पे आगे लाना है। जो हमारे साथ, हमारी नीति के साथ, नीयत के साथ और नेता के साथ आना चाहता है आए, लेकिन भ्रष्टाचार छोड़ के आए, अपने विचारों को बदल कर आए, हमारे विचारों को स्वीकार करके आए, हमें स्वीकार है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है जी, 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 प्रतीक जी, कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें धुलने के बाद वो कह रहे हैं कि जिन पर आरोप भी है या जिन पर जांच चल रही है वो फिर क्लीन चिट सामने आ रहा है? खुद ही प्रतीक जी जवाब लेंगे इसका, नरेश जी को सवाल पूछना चाह रहे हैं। मेरा यही इससे जो आपने अभी प्रताप जी ने कहा उसी पे मेरा सवाल है, शायद प्रतीक भी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो क्या आपने जैसे कहा कि जो भ्रष्टाचारी पहले थे अब नहीं हैं, तो क्या चूंकि सरकार आपकी है तो जो भ्रष्टाचारी थे उन पे भले आपकी पार्टी में आ गए हो, क्या कोई ऐसी जांच होगी, कोई ऐसी कार्रवाई होगी? एक तो ये सवाल, दूसरा एक सवाल और है मेरा कि हाँ प्रताप जी आपसे दूसरा सवाल ये है मेरा कि अब चूंकि इतने सारे कांग्रेसी आपकी पार्टी में आ गए हैं तो जब पार्टी की मीटिंग होगी तो क्या ऐसा कहा जाएगा भविष्य में भाई मूल बीजेपी वाले तो इधर बैठ जाओ और जो कांग्रेसी वाले हैं वो इधर बैठ जाओ, ऐसा कुछ होगा? हाँ नरेश जी, मैं दोनों बात ये करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो भी नेता आया है उनके जो प्रारब्ध है, जो पूर्व जन्म के उनके जो कर्म है उसका तो उनको हिसाब करना ही पड़ेगा। कितने से भी कितना बड़ा नेता हो, प्रारब्ध उसके साथ आया है तो उसको उसको भोगना होगा। और कहीं भी इस सरकार ने उन प्रारब्ध से उनको मुक्त नहीं किया है, प्रारब्ध उनके साथ रहेगा और जब भी जिसको भी सजा मिलेगी वो सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए इस बात में पूरी तरह से स्पष्ट है, साफ बात ये है कि यहाँ आने के बाद वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, करेंगे तो उनको रास्ता दिखा दिया जाएगा, ये वो बात स्वीकार करके आए हैं। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि मूल बीजेपी, और मैंने पहले ही आपको कहा कि जब देखिए कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इसका मतलब ये होता है कि नेता को स्वीकार कर लिया, विचार को स्वीकार कर लिया और काम को स्वीकार कर लिया। जब ये सब काम जब सब स्वीकार हो जाता है तो मूल और नए का कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए हमारी पार्टी में कोई मूल और नए का कोई ऐसा अंतर नहीं है, हम सबको बराबर मानते हैं, सबको स्वीकार करते हैं। इसी से स्वीकार कर लिया नेता को भी, विचारधारा को भी नेता ने आपकी पार्टी का। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो नेता आपकी पार्टी में आया क्या उसके कार्यकर्ता ने आपकी पार्टी और विचारधारा को स्वीकार किया है? देखिए हम इस बात में विश्वास ही नहीं करते कि नेता के साथ कोई बैंड वैगन आया है, क्योंकि मजबूत नेता कार्यकर्ता से ही होता है। देखिए नेता ने हमारी पार्टी विचार को स्वीकार किया है, इसलिए उसको सार्वजनिक रूप से उसको एंट्री मिली है। अगर उसके साथ जो उनके समर्थक हैं वो भी उन विचारों को स्वीकार करेंगे तो साथ में आएंगे पार्टी में, नहीं तो जिस पार्टी के हैं उस पार्टी में रह जाएंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप बैंड वैगन लेके आइए, आप अपने पूरे परिवार को अपने साथ लाइए। वो आए, उन्होंने कहा कि हम आपके विचार को स्वीकार करते हैं, हम नरेंद्र मोदी को नेता मानते हैं। प्रतीक जी से लेते हैं क्योंकि पहले भी वो कुछ कह रहे थे। प्रतीक जी, प्रारब्ध के जो जिक्र अभी हुआ है, उन्होंने कहा कि कर्मों का फल तो हर मनुष्य को भोगना पड़ता है और बड़ी ये सही बात भी है, लेकिन आपको लगता है कि कर्मों का फल भोगना इसी दुनिया में, इसी जगह है, इसी राजनीति में मुमकिन हो पाएगा या फिर इसके लिए कुछ और दुनिया तलाशनी पड़ेगी? देखिए प्रताप जी ने बड़ी सारी बातें की, तो शुरुआत तो भ्रष्टाचार से ही कर लेता हूं मैं, क्योंकि भ्रष्टाचार में हमने पिछले दिनों दो चीजें देखी। एक तो भ्रष्टाचारियों को लाया गया
और जब लाया गया तो इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है कि 26 ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर बीजेपी ने ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की जांचें इनिशिएट कराई। बीजेपी के नेताओं ने बोला कि ये भ्रष्टाचारी हैं, और उसमें से 23 नेताओं को जब बीजेपी ज्वाइन कर ली उसके बाद में रिलीफ दिया गया है। उनके खिलाफ जो कार्रवाई थी वो बंद की गई है। जैसे अजीत पवार को ले लीजिए आप, हेमंत बिस्वा शर्मा को ले लीजिए, अभी नवीन जिंदल आए उनको ले लीजिए, और ऐसे अलग अलग किस्म के नेता हैं। दूसरा इनका भ्रष्टाचार का मॉडल एक और है कि चंदा दो और धंधा लो। ये सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पोल खोली है। ये 300 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय एयरटेल से लेते हैं और उसका 8200 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर देते हैं। ये मेगा इलेक्ट्रॉनिक से चंदा लेते हैं और उसके बाद में उसको धंधा दे देते हैं। ये अलग अलग कंपनियों के पास में एक्सटॉर्शन बोलते हैं इसको, एक्सटॉर्चर, रंदारी जो क्रिमिनल करते हैं कि आप उनको धमकाते हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को भेज करके और उसके बाद में चंदा लेते हैं। तो ये तो इनका भ्रष्टाचार है। लेकिन प्रतीक जी, इसी में मैं कुछ जोड़ना चाहूंगी, ये जो आंकड़ा आप गिना रहे हैं, क्योंकि काउंटर में ये दूसरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया कि ये जो आंकड़ा गिना रहे हैं ना, ये भी तभी गिना पा रहे हैं जब इलेक्ट्रल बॉन्ड हम लेकर आए हैं। ये चर्चा जारी रहेगी, यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, जल्द लौटेंगे। नरेश जी, आप बताइए, क्योंकि आप दोनों ही दलों को सुनते हैं, अलग अलग राज्यों की परिस्थितियां आपने देखी है, लेकिन बदलती परिस्थिति के साथ 2014 और 2019 के बाद अब 2024 का चुनाव कितना अलग लग रहा है, और उसके बाद में हम अगली बार जब बात करते हैं वन नेशन वन वोट की, तो इससे कितना समानांतर आगे ज्यादा हो नजर आ रही है? देखिए, वन नेशन वन वोट, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है, लगातार चर्चा हुई है, कमेटी बनी थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी है। लेकिन जहाँ तक पिछले चुनाव और इस चुनाव की बात करें तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले एक ये था कि मोदी लहर की बात होती थी, कैसे भी है वो मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब चुनाव ये है कि मोदी के काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है जी। दूसरी तरफ और मोदी ने अपने काम गिनाए हैं और भविष्य की अपनी प्लानिंग बताई है, और कहा जाता है कि उन्होंने तो अपने जो तमाम जो बड़े अफसर है जो भी उनकी टीम में काम करते हैं उनको ये भी कह दिया है कि जब मैं फिर प्रधानमंत्री बन के आऊँगा तो किन किन कामों को प्रायोरिटी से शुरू करना है। प्रताप जी भी शायद सहमत होंगे इस बात से। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस की तरफ से हम करें तो देखिए, दोनों के चुनाव लड़ने में जो मुझे एक अंतर दिखाई दे रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग ये है कि हम कैसे चुनाव जीते, उसके लिए चाहे जो सिटिंग जो एमपी थे उनकी टिकट काटनी पड़े, चाहे दूसरी पार्टी से नेताओं को लाके उनको टिकट देनी पड़े। हम यहाँ पे राजस्थान के उदाहरण देख लेते हैं, बांसवाड़ा में जो मालवीय को लेके आए, नागौर में ज्योति मिर्जा को दिए। और कांग्रेस की तरफ से देखें तो उसमें अब अंतर जो मुझे दिखाई दे रहा है, पहले के चुनाव में जो था तो ये था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैसे बनाए, लेकिन इस बार जो है मुझे लगता है उनकी रणनीति है कि भाजपा को कैसे हराए। तो भाजपा को हराने के लिए जो उनको करना होगा वो कर रहे हैं, और जो गठबंधन की बात है वो भी उसी का एक परिणाम है कि जो मुझे लगता है जो राजस्थान की हम बात करें उसी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान पर लेके अगर हम आते हैं, सीकर जैसी मजबूत सीट जो कांग्रेस की मजबूत सीट कही जाती है, वहाँ पे अगर विधायकों की बात करें विधानसभा चुनाव में अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है, 5 वहाँ से विधायक है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सीपीआईएम को वो सीट दे दी, वहाँ से एपीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी आते हैं। नागौर की जो सीट है उन्होंने आरएलपी को दे दी। बांसवाड़ा डूंगरपुर, आपको रोकना चाहूंगी, आपने सीकर का जिक्र किया और ये मुद्दा उठा भी कि अमराराम हालांकि ग्राउंड टू अर्थ है लेकिन लगातार चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है, तो बावजूद इसके जो विनेबिलिटी की बातें पार्टी किया करती है और ऐसे उम्मीदवारों पर जिताऊ उम्मीदवारों पर सोचती है प्रत्याशी बनाने का, ऐसे में अमराराम को सीपीएम के साथ गठबंधन के जरिए इस चुनाव में उतारना सीकर से, कांग्रेस की क्या रणनीति रही होगी? देखिए, कांग्रेस की रणनीति जो है वो यही रही है कि चूंकि कई ऐसे जिले हैं, चाहे सीकर है, हम चूरू की बात करें, श्रीगंगानगर की बात करें, वहाँ पे सीपीआईएम का एक वोट बैंक है जी। तो इनका मानना है कि एक सीट कम से कम सीपीआईएम को दे ताकि सीपीआईएम जो है वो बाकी कैंडिडेट खड़ा नहीं करे, उससे कांग्रेस को फायदा मिले जी। इसी के मद्देनजर पहले चूरू सीट जो है वो तय हुई थी जो मुझे जानकारी उसके अनुसार, लेकिन फिर जो राहुल कस्बा का मामला आया, राहुल कस्बा जब आ गए कांग्रेस में तो फिर रणनीति बनेगी, राहुल कस्बा को तो कांग्रेस से लड़ाई, तो फिर जो बाकी सीट बची थी
वो सीकर बची थी, क्योंकि सीकर में लगातार जो है वो सीपीआईएम के जो है चुनाव लड़ते हैं, खुद अमरा राम है वो विधायक रहे हैं अलग अलग सीट से, लोकसभा के चुनाव 6 बार लड़े जीत नहीं पाए, 7वीं बार इस बार लड़ रहे हैं, और उनका एक वोट बैंक भी है, तो इस रणनीति के तहत उनको ये सीट दी गई थी। तो यहाँ भी कोशिश ये नहीं है कि कांग्रेस जीते, क्योंकि कांग्रेस अगर ये करती कोशिश कि हम जीते तो अपना कैंडिडेट खड़ा करते, लेकिन कोशिश ये थी कि भारतीय जनता पार्टी कैसे हारे। और इसी तरह चूरू में राहुल कस्वा को लेकर तुरंत जो है वो टिकट दे गई, वहाँ मकसद ये था कि भाजपा कैसे हारे। तीसरा उदाहरण है डूंगरपुर बांसवाड़ा का, सबसे रोचक है, सुबह ही मैंने इसकी चर्चा की थी कि कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को खड़ा करके बोले कि नहीं अब तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना है, अब चुनाव लड़ने की जिद कर ली कैंडिडेट ने, तो कांग्रेस ने कह दिया कि नहीं अपने इस कैंडिडेट कांग्रेस का तो है लेकिन इसको वोट नहीं देना है, वोट जो है वो बाप पार्टी को देना है। अब बाप पार्टी के साथ कहीं भी गठबंधन नहीं है क्योंकि और जगह बाप पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं। तो ये जो 3 उदाहरण है राजस्थान के, उसको लेके लगता है कि कांग्रेस का इस चुनाव की रणनीति है हम जीते ना जीते भाजपा नहीं जीतनी चाहिए। तो जो दोनों चुनाव में, पिछले चुनाव और इस चुनाव में, ये अंतर हमें दिखाई देता है। तो पंकज जी, भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए जिस तरीके से नरेश जी बता भी रहे हैं कि हर हाल में वो कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से भाजपा को हराया जाए और 2 बार का जो सूखा है उसे खत्म किया जाए, तो क्या आपको लगता है वाकई में भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस की तरफ से जो गठबंधन किया गया है तो वाकई में क्या चुनौती मिल रही है दूसरी तरफ से? देखिए, जो नरेश जी ने बात कही उसको मैं आगे बढ़ाते कहना चाहूँगा कि इस बार अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें और जगह भी कुछ ऐसी स्थितियाँ आई हैं, तो यहाँ पे चुनाव जो हो रहा है वो बीजेपी वर्सेस स्थानीय प्रत्याशी के ऊपर हो रहा है। कहने का मतलब है अगर चूरू में चुनाव हो रहा है और वहाँ कड़ा मुकाबला हो रहा है तो वो कैंडिडेट वर्सेस भाजपा में हो रहा है, कांग्रेस उस सीन में कहीं नजर नहीं आ रही। अच्छा। कांग्रेस का सीन सिर्फ इतना सा है कि क्योंकि राहुल कस्वा को वोट को टिकट जो कांग्रेस ने दिया है इसलिए वो कांग्रेस के उसमें लड़ रहे हैं। ऐसे ही नागौर में आप देखें, नागौर में हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं तो खुद की ताकत और दमखम से लड़ रहे हैं, उस दौड़ में भी कहीं कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, वहां हनुमान बेनीवाल वर्सेस भाजपा हो रहा है। तो ओवरऑल अगर इस जुड़ेंगे और जब वो प्रतिक्रिया देंगे तो उन पर लौटेंगे भी, लेकिन अभी आप बिल्कुल दौसा का रुख भी करेंगे क्योंकि बेहद दिलचस्प मुकाबला वहां पर भी है, क्योंकि वहां पर जय कन्हैया लाल के नारे भी काफी हमने सुने, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी सिटिंग एमएलए को उतारा गया है, तो क्या वाकई वहां पर चुनौती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पंकज जी अपनी बात को पूरा करिएगा। जो मैं बात कर रहा था, ऐसे ही आप दौसा सीट की बात कर ले, दौसा में जो मुकाबला है वो मुरारी लाल मीणा वहां से कैंडिडेट बनाए गए हैं, तो मुरारी लाल मीणा अपनी ताकत से साथ में जो क्योंकि पायलट समर्थक माने जाते हैं, तो पायलट जो सचिन पायलट हैं उनकी वहाँ जो ताकत है उसको मिला के वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी कांग्रेस संगठन गौण नजर आ रहा है। तो कुल मिला के देखें तो जो अभी जो ये 12 सीट की हम सीनियरों की बात करें, 25 की अपन बाद में करेंगे, 12 सीटों की बात करें तो सीकर में अमरा राम है, जैसे नरेश जी ने बताया उनका खुद का कद है, खुद का वोट बैंक है, तो वो भाजपा को चुनौती दे रहे हैं, वहां कांग्रेस ठीक है, कितनी चुनौती कहां पर किसको मिल रही है देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल दौसा का रुख कर लेते हैं, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ वहां से जुड़े हैं। योगेश जी, बड़ा दिलचस्प मुकाबला कहा जा रहा है दौसा का, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हम देखते हैं तो क्या वाकई में जो माना जा रहा है वैसी ही स्थिति नजर आ रही है या फिर जनता का उत्साह कुछ और बता रहा है? देखिए, दौसा में महामुकाबला इस वक्त दिख रहा है और ये महामुकाबला इसलिए कि दौसा वो सीट है जी जो इन 12 सीटों के अंदर एक तरह से सत्ता का सबसे अहम केंद्र बिंदु है। और जैसा अभी स्टूडियो में बैठे हुए विश्लेषक अपनी बात कह रहे थे, मैं आपको बता दूं, मुरारी लाल मीणा खुद बहुत बड़े नेता हैं और अपनी ताकत रखते हैं, सचिन पायलट का बड़ा नाम है, वो बड़े चेहरे हैं, लेकिन मुरारी लाल मीणा का खुद का यहाँ के मीणा वोटर्स पर अपना प्रभाव है। 3 विधानसभा सीट तो ऐसी है जो मुरारी लाल मीणा सीधे तौर पर खुद ही प्रभावित करते हैं, बांदीकुई से विधायक रहे हैं, दौसा से भी विधायक है, पूरे जिले में अगर एक सीट कांग्रेस ने जीती थी तो खुद मुरारी लाल मीणा ने ही चुनाव जीता था। और जबकि आपको पता ही है कि दौसा जो शहर है या दौसा जो विधानसभा सीट है इस पर गुर्जर मतदाता प्रभावित नहीं करते इस सीट को, उसके बावजूद मुरारी लाल मीणा यहाँ से विधायक बने, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो खुद कितने पावरफुल लीडर हैं और महुआ को वो सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। तो परंपरागत रूप से जो मीणा वोटर है दौसा जिले का, वो उसका माइंडसेट कांग्रेसी रहा है। अब उस कांग्रेसी माइंडसेट को कैसे कन्हैया लाल मीणा यहाँ उस रथ को रोक पाते हैं, क्योंकि ये वो सीट है जो पिछले चुनाव में भी बहुत कम अंतर से कांग्रेस पार्टी हार गई थी,
मुरारीलाल मीणा की पत्नी सविता मीणा चुनाव हार गई थी। और राजनीतिक तौर पर यहाँ के इतिहास की बात करें तो भी कांग्रेस का जो इतिहास है यहाँ अपने विरोधी दल पर बहुत मजबूत है। 6 बार खुद राजेश पायलट यहाँ से सांसद रहे और कहा जा सकता है कि आपको ध्यान ही है कि केंद्र में वो मंत्री रहे, केंद्रीय भूतल परिवहन विकास मंत्री रहे, केंद्र में वो गृह राज्य मंत्री रहे और जम्मू कश्मीर और में जो आतंकवाद को लेकर जो पहल की थी, समझौते को लेकर, कश्मीर में शांति को लेकर पहल की थी, उसमें राजेश पायलट की भूमिका किसी से छुपी नहीं है। दौसा जिले के अंदर ही, दौसा के बिल्कुल ठीक पास में ही मंडाना में एक एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया था। फिर उनकी पत्नी रमा पायलट यहाँ से सांसद रही, फिर सचिन पायलट यहाँ से सांसद रहे। और ये वो दौसा सीट है जहाँ से महाराजा को चुनाव हराया गया था। राजा पृथ्वीराज को यहाँ पर पंडित नवल किशोर शर्मा ने चुनाव हरा दिया था। वो कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे इस इलाके के, ब्राह्मण राजनीति पर उनका बड़ा प्रभाव रहा। नरेश जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। योगेश जी, आप दौसा पहुंचे हैं और दौसा कहते हैं कि संवेदनशील सीट है, चुनाव आयोग के हिसाब से भी और राजनीतिक दलों के हिसाब से भी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम नेता, उन्होंने प्रचार किया, रोड शो किया, घर घर गए। सीधी सी बात, दो नाम आपने लिए, सचिन पायलट और किरोड़ी मीणा, दौसा किसकी बात मान रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, इस वक्त अपने उस राजनीतिक झंझावात से जूझ रहे हैं जिसको लेकर कहा जा सकता है जो बात मीणा हाईकोर्ट से शुरू हुई थी और वो मीणा हाईकोर्ट से शुरू हुई बात कहां तक आगे पहुंचेगी, क्या, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा खुद यहां से इंडिपेंडेंट भी सांसद बने हुए हैं। ये भी हमें दर्शकों को बताना चाहूँगा कि किरोड़ीलाल मीणा ने अपने दम पर भी चुनाव जीता और यहाँ पर एक अलग तरह की राजनीतिक द्वंद्वता दिखती है। पहले आपको दिखा देते हैं, पीछे जो दौसा के वोटर्स हैं अलग अलग वोट डाल के आए हैं, सब आपको दिख रहा है। हालांकि मतदान में सुस्ती है, मतदान को लेकर उतना जो क्रेज दिखा है दौसा के आसपास गांवों के अंदर जो क्रेज है उतना सिटी में इतना नहीं दिखा। फिर भी यहाँ पे मतदाता मतदान के प्रति जागरूक है और कहा जा सकता है राजनीतिक तौर पर तो बहुत ज़्यादा जागरूक है। तो जैसा ST सीट है दौसा की और ये कहा जा सकता है लोकसभा सीट को लेकर किरोड़ीलाल मीणा, क्योंकि यहाँ के सबसे लोकप्रिय चेहरे, सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी उनके अपने समाज में भी है, अदर कास्ट के अंदर भी है, तो कहा जा सकता है कि उनकी साख यहाँ पर दाव होगी कि किस तरह से वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ मदद कर पाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुरारीलाल मीणा अपने आप में खुद बहुत बड़े मीणा नेता हैं, तो मेजोरिटी ऑफ मीणा वोट यहाँ पर कांग्रेस की ओर जाता हुआ नज़र आ सकता है। अदर देन जो वोट है, जो जिसको लेकर सबसे ज़्यादा आप अगर बात कर सकते हो, 4 वोट बैंक क्या बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, माली वोट बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, गुजर वोट और ब्राह्मण वोट, ब्राह्मण बड़ी संख्या में यहाँ पर, तो ब्राह्मण मतदाता का पोलराइजेशन का परसेंटेज कितना है उस पर बहुत डिपेंड करता है, चाहे वो दौसा की सीट हो, चाहे बांदीकुई की सीट हो, चाहे महुआ की सीट हो, चाहे लालसोट ST है, लेकिन वहाँ भी ब्राह्मण मतदाता बड़ी संख्या में, और इसी की तरह माली मतदाता भी यहाँ पर, BJP के विधानसभा जब चुनाव हुए थे तो बांदीकुई से भागचंद टाकड़ा जीते, वो माली वर्ग से आते हैं, और इसी तरह सिकराय रिजर्व सीट है, वहाँ से विक्रम वंशीवाल चुनाव जीते BJP के, और इसके साथ ही दौसा इकलौती सीट थी जो कांग्रेस के खाते में, लालसोट से परसद लाल मीणा चुनाव हार गए, सिकराय से ममता भूपेश चुनाव हार गई। और आपकी कांग्रेस की मजबूती, लेकिन देखना ये रहेगा कि मतदान के बाद में, मतगणना के दिन ये कितनी नजर आती है।